अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। सो यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि जी बायोटिन सप्लीमेंट यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं, हमें इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले भी मैंने इसके बारे में एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, तो आज दोबारा से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बायोटिन जो है वो एक वाइटामिन है, और वाइटामिन दो तरह के होते हैं। समझने वाली बात ही है कि या फैट सोलेबल वाइटामिन होते हैं या तो फिर वाटर सोलेबल वाइटामिन होते हैं। अच्छा जी, जो फैट सोलेबल वाइटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी में रुकते नहीं हैं, स्टोर नहीं होते, फ़ौरन से बॉडी से निकल जाते हैं। तो बायोटिन भी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करता। इसलिए ज़रूरत क्या होती है कि जी हम इसको या तो किसी फूड से इनटेक करें या तो फिर किसी मेडिकेशन के ज़रिए से लें। फूड्स कॉमन तौर पर देखा जाए तो रेस्बेरी हो गई, आलमंड्स हो गए, बादाम, इसके अलावा स्वीट पोटैटोज, इनमें ये बहुत ज़्यादा, एवोकेडोज हो गए, इसमें ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है एक अच्छी मिकदार में। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में इसकी अमाउंट जितनी रिक्वायर्ड होती है वो सिर्फ फूड लेने से पूरी नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी मल्टीविटामिन की डोजेज की फॉर्म में बायोटिन को ज़रूर इनटेक करें। अच्छा जी, फ़ायदे क्या हो सकते हैं? ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बालों का जो हेयर लॉस होता है वो यूजली किस वजह से होता है? जब आप में कमी हो जाए फोलेट की, राइबोफ्लेविन की या बायोटिन की, इन वाइटामिन्स की कमी की वजह से होता है, ठीक है, हमारी रिसर्चेस ये बताती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्पेसिफिकली वो ही मल्टीविटामिन लें तो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। इसके साथ साथ नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के फंक्शंस के लिए, ब्रेन के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और प्रेगनेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो बायोटिन की जितनी मिकदार रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में, आप उसको टेक कर सकते हैं किसी भी अच्छी मल्टीविटामिन को लेके। बहुत से ब्रांड्स हैं, हम देखते हैं मार्केट में मौजूद हैं, तो जस्ट आप उनको जाके बताएं कि आपको बायोटिन चाहिए और किसी अच्छे ब्रांड का लें। बस लेने से पहले एक दो चीज़ें आप देख लें कि वो FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि सही कंपनी होनी चाहिए, नाम वाली होनी चाहिए, तो उसका बायोटिन आप लें और इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको असर